हाँ तो भैया सलाम, राम राम, सत श्रीकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। स्वागत है आप लोगों का डे थ्री के ब्लॉग में। टाइम हो चुका है 8:03 और हम लोग नहा धो के पैक वैक होके सब तैयार हैं। बस हमें ब्रेकफास्ट करना है, बाइक पे माउंट सामान लगेज मतलब ओके लगेज माउंट करना है, और उसके बाद वी आर रेडी टू गो। और यहाँ से दारचा जाने में लगेगा लगभग 1.5 घंटा, और उसके बाद हम लोग घुस जाएंगे जंस्कार वाले रास्ते में, जो कि कम्प्लीट ऑफ रोड होने वाला है लेह तक। ये शायद मैं कल रात को बता चुका हूँ, तो अभी के लिए ये अपडेट है। ओके, और नज़ारा यार कितना ज़्यादा प्यारा है, मतलब लुक एट दिस यार। और वही है यार, कैमरा कभी भी जस्टिस नहीं करता व्यू के साथ, जो आंखों से दिखता है और फिर अलग चीज़ें। उधर हमारी बाइक खड़ी हुई है, और यहाँ पर हमारे पड़ोसी जी हैं। लो पड़ोसी के पास चलते, देखो यहीं से ही डायरेक्ट पहनना पड़ जाए मेरी। गुड मॉर्निंग। तो भाई सामान दिख रहा फैला सब कुछ पड़ा है भाई, ठीक है ना। तो देखो यही होता है जब बाइकर्स निकलते हैं। वैसे ज़्यादा इजी था इसलिए मैं उतर के आ गया, कुछ इससे पहले गई कि भाई ज़्यादा खतरे खिलाड़ी मत बनो, उससे कूद के आ गए। ओके, ये हमारे अंकल जी जिनके पास हम रुके हुए हैं। ओके चलिए, टाइम इज 9:17 और अभी फाइनल निकलने की तैयारी हो रही है। लड्डू का सामान बन चुका है, पैडी भाई अपने सामान बांध रहे हैं अभी, और हमारा भी लगभग बंद हो चुका है। ओके, तो सही है, अभी निकलते हैं आराम से। तांडी यहाँ से 17 किलोमीटर है, वहाँ पर फ्यूल अप करवा लेंगे, और उसके बाद देखते हैं कि 5 लीटर की कैरी भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे डोमिनार में 13 लीटर का है और 10 लीटर मतलब 2.5 लीटर उसमें रहना कंपलसरी है, तो लगभग मान के चले 10 लीटर। और पैडी भाई की तो है 20 लीटर की, तो उन्हें ज़्यादा शायद से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी बस निकलते हैं। अभी -10 मैं तब पहनूंगा जब बाइक चल जाएगी, क्योंकि अभी पहन रहा तो पसीना आ रहा है बहुत, क्योंकि इनर भी पहना हुआ है। ये गई केलोंग चंडीगढ़ हरिद्वार। चलिए चलते हैं दोस्तों। बाकी अभी दारचा तक सचिन चलाएगा बाइक, मैं पीछे बैठूंगा, नज़ारे रिकॉर्ड करेंगे बढ़िया। और फिर उसके बाद दारचा के बाद हम जंस्कार वाले रोड पे घुस जाएंगे, तो वहाँ से फिर मोटो ब्लॉग में हम लोग करेंगे, और अभी व्यू अच्छे अच्छे लेने के लिए कोशिश करेंगे हम लोग। ओके ओके भाई अंकल जी। पेट्रोल का रेट है 107.67। तो अभी हम लोग हैं तांडी पेट्रोल पंप पे, जो कि लास्ट है, इसके बाद ले मनाली हाईवे पे सीधा फिर ले में है। केलोंग में अभी एक खुला है, उसका पता नहीं वो चालू मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके, तो इसलिए हमने यहीं से फिल अप करवा लिया, मतलब करवाएंगे अभी। और सही है भाई, नज़ारे बहुत अच्छी हैं, क्योंकि जब लास्ट टाइम जब मैं लद्दाख आया था, तो प्लेटिना से यहाँ से मैं जब जा रहा था, तो फुल ऑन बारिश हुई थी रास्ते पर, मतलब रुमसे से हम लोग चले थे, रुमसे से लेके मनाली तक फुल बारिश में मैंने चलाई थी। और अभी किस्मत अच्छी है, धूप धूप निकली, तो बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है लिटरली। और किस्मत अच्छी है कि अभी सुबह का टाइम है, तो भीड़ कम है अभी, वरना तो यहाँ पे ऐसे बाहर बाहर तक लाइनें लग जाती हैं, तो अच्छी किस्मत है भाई, अच्छे गर्म शायद हमने कहीं पर। ओके बस यहीं अभी तक की, कोई और जो अपडेट आई तो बताएँगे आपको। ओके, तो टाइम हो चुका है 1:10, और हम लोग दारचा के जो चेक पोस्ट था बस से थोड़ी सी आगे आए थे, और एक ढाबा है रीवा ढाबा दारचा में ही, मतलब जो चेक पोस्ट है थोड़ा सा आगे आओगे ये मिल जाएगा वो राइट साइड में, और यहाँ पे ये फ्लैग लगा हुआ है लद्दाख वाला। यहाँ पर छोले राजमा और दाल, तीनों चीज़ इतनी टेस्टी थी, और पेट भर भर के ठूस ठूस के यहाँ तक खाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो कभी भी अगर दारचा आ रहे हो और यहाँ से आगे आ रहे हो, तो यहीं पर हम तो वापसी में भी यहीं पर खाएँगे, क्योंकि जब यहाँ से स्पीति जाएँगे, तो सच में बहुत टेस्टी खाना था।
अभी यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है डाइवर्जन, जहाँ से जंस्कार का रास्ता अलग हो जाएगा और आगे लद्दाख मतलब मनाली ले हाईवे फिर आगे निकल जाएगा। तो अभी 2.5 किलोमीटर बाद जंस्कार पे निकलेंगे और देखते हैं कहाँ रुकना होगा, कहाँ क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है, जैसा भी होगा देखेंगे। बाकी यार मेरे ना जीप पे ना छाले से हो रखे, क्योंकि कल और परसों रात को और कल पूरा दिन बहुत ज़्यादा मिर्ची का खाना था और वो बहुत ज़्यादा मिर्ची हो गया ना जीप, इस ना मेरी जल सी गई, तो अभी कुछ भी खाना तो जलन हो रही है, तो अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, कल रहा तो बहुत बुरा हाल था मेरा। तो ठीक है, बाय बाय रद्या, ये टॉफ़ी मेरे लिए है, थैंक यू। तो ये आराध्या है, मेरी नन्ही सी दोस्त यहीं बन गई है, तो इसको मैंने 2 टॉफ़ी दी थी, इसने मेरे को एक अपनी दुकान में से अलग दी, इक्लेयर्स दी इसने। सही है यार, चलो खाना वाना हो गया है भैया, अब निकला जाए संस्कार के डाइवर्जन पे। बाकी अभी भी मौसम ठीक है यार, काले बादल नहीं आए हैं और आसमान नीला है, ठीक है, सबसे अच्छी बात यही है। तो भैया ये वो डाइवर्जन है, सीधा जाएंगे तो शिंकुला और इधर के लिए जाएगा सरचू, तो यहाँ से शिंकुला है 39, पदुम 143, चीका 10, जंकार सुमदो 17 किलोमीटर्स। नाइस, शिंकुला पैडी भाई मज़े ले रहे, कह रहे कहाँ चलना है, शिंकुला या फिर ले, मैं भाई अभी तो शिंकुला। चलो भाई अच्छी बात है, शिंकुला पास आज होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। और भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखो कितना तेज़ी से चल रहा है। चलो भाई फाइनली डाइवर्जन ले लिया, मैं बड़ा खुश हूँ, तो जिस चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ हो जाएगी अभी। बहुत बहुत प्यारा रोड और नीचे बहुत प्यारा व्यू, सॉरी नदी जा रही है, बीच में नाम भूल रहा हूँ अभी मैं इसका, और ऊपर पहाड़ उस साइड और ऊपर पड़ी बर्फ़, मतलब वाह यार वाह। एनिमीज ऑफ द रोड, लीकर स्पीड एंड लोड, नाइस। लीकर हम पीते नहीं हैं, स्पीड हम अच्छे से चल रहे हैं और लोड हमारा ठीक ठाक है। नाइस भाई साहब, कितना गहरा है ये, गजब भाई गजब। तो जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे रोड का साथ था वो शायद यहीं तक ही था, क्योंकि भाई साहब बहुत बुरा ऑफ रोड आ चुका है। ओहो मैन, ओह रियल एडवेंचर, हाँ यही तो चाहिए था यार। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई साहब शिंकुला चढ़ने में वाट लगने वाली है, फ्यूचर दिख चुका है। नहीं नहीं ये तो थोड़ा सा खराब पैसा, आगे तो फिर रोड आ गया, वाह यार वाह, इन्नू कहते हैं किस्मत। सेक्सी व्यू भाई सेक्सी, और इधर भी ये लोग अभी भी काम पे लगे हुए हैं, सैल्यूट यार इन लोगों को कसम से। इतनी सर्दी में हम सिर्फ आके चले जाते हैं, हमारी फिर फट जाती है, ये तो यहाँ रह के काम करते हैं लोग, तो कितनी बड़ी बात है यार इन लोगों के लिए कसम से। बीआरओ के एक एक मेंबर को भाई दिल से सैल्यूट यार कसम से। दो भाइयों से मैंने पूछा, वो बता रहे हैं कि भाई शिंकुला जाने में लग जाएगा आराम से 1.5 घंटा, और ऊपर जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है ना, हाइट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, तो भैया ठंड भी काफ़ी बढ़ रही है एकदम से, तो अपन पैक होते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि आगे मौसम ख़राब होने के चांसेस हैं, क्योंकि उधर से काले बादल आना शुरू हो चुके हैं, मतलब इतने ज़्यादा नहीं लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि पहाड़ों का भी तो, पहाड़ों का यार कोई बता ही नहीं सकता कब बारिश होगी कब नहीं होगी। अभी हम लोग आए थे उस साइड से बिल्कुल नीचे करके, और फिर इधर एक वाटर क्रॉसिंग, मतलब वाटर क्रॉसिंग नहीं, एक ब्रिज आया उसके ऊपर से हम निकले, और फिर हम यहाँ से साइड बढ़ के अब यहाँ पर आ रहे हैं, तो भाई साहब ऐसी चढ़ाई आ रही है बिल्कुल खड़ी। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके थे फोटोग्राफी के लिए, मैंने अपने DSLR से भी उतारे, फ़ोन से भी उतारे, तो काफ़ी सही सही फोटोज़ आए हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू चेक आउट दोज फोटोज़ देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ओके।
अभी यहाँ से शिंकुला है प्रॉपर 24 किलोमीटर और अभी गोप्रो की बैटरी चेंज करी है हमने, 24 किलोमीटर जाना है और हाइट तब तक बढ़ती रहेगी। ऊपर बस ये देखना है कि एएमएस इतना कर जाए हम लोगों को और तो बाकी सब देखा जाएगा। और व्यू तो शानदार लाजवाब है, सही में बहुत ज़्यादा सही व्यू। ये देखो इधर, और भैया ये बर्फ़ आनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, यहाँ यहाँ तक बर्फ़ है। नाइस, ये रोड आगे शिंकुला तक ऐसा ही है या खराब है आगे? खराब है, कहीं बढ़िया है। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ वाह यार, बर्फ हटाई जा रही है, रुकने के लिए बोला है। ये थोड़ा खराब रोड आ गया, वो इनसे पूछा है, कह रहे आधे घंटे से भी कम लगेगा, तो मैं कहा तो अच्छी बात है। निकल गए फाइनली भाई साहब, ये तो गजब का था यार। ये मतलब इतना स्टीप था कि अगर एक बार मोमेंटम टूट जाता ना तो भाई मुश्किल हो जाती मतलब वापस मोमेंटम गेन करने में। सही भाई सही, एडवेंचर हो गया। क्या व्यू है, क्या व्यू है, और क्या व्यू है। ओ यार जन्नत, मैं कह रहा हूँ जन्नत में आ गए यार। भाई साहब मैं ये कह रहा हूँ कि यार समझ नहीं आ रहा गोप्रो ऑन कहाँ करूँ और ऑफ कहाँ करूँ, कितना सही लग रहा है। कहीं भी नजर जा रही है बस बर्फ बर्फ बर्फ। नाइस, और अभी एक शिंकुला टनल बन रही है इधर, एक नॉर्थ पोर्टल एक बोर्ड आया था वहाँ पर, तो वहीं टनल बनने के बाद इसका भी मज़ा ख़राब हो जाएगा जैसे रोहतांग का मज़ा ख़राब हो रखा है लोगों के लिए। तो भैया जल्द से जल्द शिंकुला करें और ज़िंदगी का एक अचीवमेंट अपने नाम कर ले। सही यार सही। बाकी अगर मैं प्लेटिना लेके आता तो भाई प्लेटिना चढ़ तो जाती है लेकिन दम बहुत लगता भाई उसका, उसको अभी तक इस रास्ते में कम से कम भी 3 या 4 बार मुझे ठंडा करने के लिए खड़ा करना पड़ता अगर प्लेटिना साथ होती तो। बट यार ये तो यार मैं प्लेटिना को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, काश वो इधर होती तो एक अच्छी मतलब कि हाँ यार मैंने अपने जान के साथ शिंकुला पास किया है। और इधर अभी ढलान आ गई और यहाँ पे भी बहुत आराम से ब्रेक लेना पड़ेगा, एकदम से लिया तो भैया फिसल के बहुत बुरा गिरेंगे। यार लकड़ी के भाई साहब बहुत ज्यादा पानी था यार यहाँ तो। ओ शिट ओ शिट, हाँ हाँ और भाई फाइनली सामने शिंकुला पास,
मैन यो शिंकुला पास कॉन्ग्रेचुलेशन भाई भाई साहब मैं ऑफ रोड तो एक्सपेक्ट कर रहा था पर इतना ज़्यादा नहीं तो वी आर फाइनली शिंकुला पास एल्टीट्यूड 16,580 फीट पे हम लोग आ चुके हैं और जितना ऑफ रोड मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे तो बहुत 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 ज़्यादा मतलब ऑफ रोड था मतलब क्या बताऊँ मैं गजब लेकिन मज़ा आ गया यार एडवेंचर यहीं तो चाहिए होता यार मतलब बिल्कुल ऐसे खड़े पत्थरों पे बाइक चल रही है खड़े पत्थरों पे तो बोल दिया अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो गलती मत कर देना बिल्कुल यार अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई इस पे आके बहुत बड़ी गलती हो जाएगी कसम से वापिस भी नहीं जा सकते हाँ भाई साहब बहुत प्रिकॉशन के साथ करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा चलो यार एक्सपीरियंस काम आया आज निकाल दी हमने विद पिलियन डोमिनार 400 सचिन भाई कैसा लग रहा है डोमिनार 400 चढ़ गई अपने यहाँ पे विद पिलियन एकदम मस्त मजा आ गया सिस्टम पढ़ दिया जब अब आगे नाइस 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 कौन का है वाटर क्रॉसिंग आओगे ओके तो भैया नज़ारा देख लो लास्ट टाइम आप तो 10 सेकंड पीछे करके देख लोगे बट ठीक है अभी यहाँ पर यह है कि सांस की थोड़ी थोड़ी तकलीफ मेरे को होने लगी हल्की हल्की और सचिन को भी होने लगी कि सचिन फर्स्ट टाइम शायद साहिल एल्टीट्यूड पे है प्रदीप भाई होल्ड कर जाते हैं और सचिन का भी हल्का सचिन का लड्डू का भी थोड़ा हल्का हल्का हाल है तो अभी फटाफट नीचे चलते ताकि ऑक्सीजन मिल जाए तो नीचे जाने का सफ़र शुरू हो चुका है अभी एक टैक्सी वाले भैया हमें मिले थे वो कह रहे थे कि अगर आप लोग चलते रहोगे तो पदू में आप लोग लगभग 2 घंटे में पहुँच जाओगे तो हमने कहा भाई ठीक है बहुत अच्छी बात है ये तो और अभी हमने डिसाइड किया कि सबसे आगे प्रदीप भाई चलेंगे पैडी भाई अपने और बीच में लड्डू और सबसे पीछे हम लोग और पैनिक हॉर्न का हमने किया है कि पैनिक हॉर्न में ऐसे ब्लिंक 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 करके हॉर्न मारूंगा ताकि लोग समझ जाए कि हाँ कुछ हुआ है क्योंकि गिर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि देखो प्योर पत्थरों पे बाइक चल रही है प्योर पत्थरों पे कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में तो गिरने को गिर सकते हैं यहाँ पर हालांकि अभी तक हम में से तीनों में से कोई एक भी नहीं गिरा टच वुड बट स्टिल यार ऐसे रास्तों का कुछ नहीं पता होता है ओह हो भाई साहब आगे इतना ज़्यादा डाउन चल 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 आगे इतना ज़्यादा डाउन हिल है कि वह देख के प्राण बखेर हो जाए ओ मैन वगैरह यहाँ पे सही है भाई अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर हो कहीं पे पहले कुछ किया हो तो ही यहाँ पे आना वरना यार यहाँ पे बहुत बुरी हाल होने वाली बहुत बुरा मतलब मैंने तो ज़्यादा बाइक चलाई है इतने माउंटेन पासेस और सच पास लाड की स्टॉप नहीं न जाने क्या 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 किया हुआ है बट स्टिल यहाँ पे चलाने में एक थोड़ा डर लग रहा है हम लोग बिल्कुल रोक रोक के साथ साथ चल रहे हैं मतलब थोड़ा गैप मेंटेन करके आ जा आराम से भाई साहब बहुत भयंकर चढ़ाई है ये वाली चढ़ जा बेटी बेटी नहीं है तो बेटा है
ये तो भयंकर चढ़ाई थी। ओ यार पेडी भाई ने कहा कि यार बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है क्योंकि उनकी हैवी बाइक है ना, और यहाँ पर अभी एक सीन क्या हो रहा है, उतारने में ज़्यादा फट रही है यार, क्योंकि मतलब कीचड़ ऐसा आ रहा है कि दूर से मतलब जज नहीं कर पा रहे कि वो टाइट कीचड़ है या फिर मतलब बिल्कुल ही वैसा है सॉफ्ट बिल्कुल, तो वो चीज़ बहुत टेंशन दे रही है यहाँ पर अभी। अभी तो हमें बहुत नीचे उतर के जाना है, बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब यहाँ से ऐसे उतरेंगे 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 और फिर वहाँ से ये उधर आगे को पूरा कच्चा रोड दिख रहा है यहाँ तक तो मुझे। भाई गजब सीन, भाई गजब सीन। प्लेटिना में ले तो आते थे लेकिन भाई साहब 9-2-11 कह रहा हूँ, बारह नहरे हो जाते मेरे। यार भाई उतारने में ज़्यादा टफ हो रहा है ये तो, जैसे किलाड़ किश्तवाड़ में हुआ था मुझे लग रहा था कि चढ़ाना मुश्किल हो गया लेकिन यार वहाँ तो उतारना मुश्किल था, सेम स्टोरी यहाँ पर है। ओह कितना नीचे भाई, लड्डू को देखो नीचे। हो भाई एक बार पैडी भाई को जाने देते ताकि जगह बन जाए हम लोगों के लिए। भाई यार बहुत भयंकर रोड, मतलब इससे ज़्यादा जिद, मतलब इससे ज़्यादा एडवेंचरस तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ओह हो मैन, ये भाई एक वाटर क्रॉसिंग आई है। ओके ओके, यहाँ से यहाँ से यहाँ से वहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी है, ठीक है। चलो चलो चलो, सिस्टम ऑन कर देंगे। अच्छा बाबा की नाइस, ज़्यादा पानी नहीं था बट ठीक है। भाई साहब अब ये तो कतई पत्थर रास्ता आ गया। पैडी बाइक को हम आगे इसलिए रख रखे क्योंकि ना बाइक ज़्यादा हैवी है और प्लस उनको यार थोड़ा बैक में हल्का सा इशू है, तो जस्ट इन केस कहीं हम फिसल विसल जाएँ, हम तीनों में से कोई भी यार, तो एक दूसरे की हेल्प तो कर दे कम से कम। इसको भी भाई वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस रोड की लिस्ट में ऐड कर ही दो भाई, इस रोड को अगर सच पास को कर रखा और किलाड़ किश्तवाड़ को तो इसको भी कर ही दो भाई, ये इनजस्टिस हो रहा है इसके साथ बहुत ज़्यादा। टाइम हो चुका है प्रॉपर 5, मतलब 4 मिनट बाकी है, और अभी हम लोग शिंकुला से उतर के यहाँ पर रुके थे कि ये छोटा सा एक कैफ़े था, मतलब सिर्फ अकेला वन एंड ओनली कैफ़े है ये, तो यहाँ पर चाय वाय पी, हमको लगभग यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है और AMS ने पकड़ लिया थोड़ा बहुत, सर मेरा भी घूम रहा है, सबका घुमा था सर मैं, मतलब सबका सर घूम चुका, मतलब सर इतना घूम चुका मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ। पैनी भाई को वो मैंने व्लॉग में बता दिया, मोटो व्लॉग में, तो क्या ऊपर तो हुआ था ना, तू बता रहा था, चलो ठीक है, इनको नहीं हुआ लेकिन मेरे को और सचिन को हुआ, तो अभी सचिन भाई लव लेट हो रखा है, अभी मेरा हुआ था लेकिन अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ क्योंकि नीचे आ गया, ऑक्सीजन थोड़ी बेटर है। और अभी हम जा रहे हैं कहाँ, करजक जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 1 घंटे का रास्ता पड़ेगा। अब यहाँ से ये है कि हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, आड़े तो उतरे मतलब ठीक है, चलो हरियाणी में भाई यहाँ आड़े तो उतरेंगे भाई, और आगे जाऊंगे ये उधर से एक ब्रिज क्रॉस कराया और फिर वो वहाँ से गए 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 और आगे कहीं पे, तो 1 घंटे में पहुँचेंगे यहाँ पे, कहीं होम स्टे वगैरह लेंगे आराम से, फ्रेश व्रेश होंगे, सो जाएंगे, और सबसे अच्छी चीज़ है कि एक्मेटाइज हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग ये कि एकदम से हाइट पे है ना मनाली, और फिर मनाली से दारचा, दार से एकदम से फिर हम इतनी हाइट पे आए हैं, 16,580 कुछ फीट था शायद, मैं भूल रहा हूँ शंकुला कितना था, तो ठीक है चलते हैं अभी 5-10 मिनट में, पेड़ी भाई चाय पी रहे हैं, बस निकलते हैं फिर। बाकी यार व्यू देखो यार, मतलब अनटच्ड अनएक्सप्लोर्ड एरिया, मतलब वाह यार, हिडन लद्दाख बिल्कुल हिडन। ओके सो टाइम इज 5:17, लगभग पौना घंटा तो नहीं, 35-40 मिनट यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, रेस्ट किया हमने एंड वी आर गुड टू गो।
सचिन भाई का ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा अभी भी है बट थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर ब्रेक लेने की वजह से। कैसे हो सचिन भाई, फिट एंड फाइन? बैठो फिर इस बात पर, बज रही है तान है। तो यहीं ऑफ रोड रहने वाला है अभी। ओ ओ ओ ओ बहुत भयंकर, बहुत ज़्यादा भयंकर। मैंने ध्यान नहीं दिया ये शॉर्टकट था। आराम से आराम से आराम से गौरव देशवाल, आराम से बेटा, ज़्यादा जल्दी नहीं, बहुत प्यार से। एक ये वाटर क्रॉसिंग आई है यहाँ पे छोटी सी, बट कभी भी किसी भी वाटर क्रॉसिंग को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए है गौरव। पैर टिक गया यार, पैर टिक गया, एक जूते में बढ़ गया, एक जूते में पानी गया भाई। आराम से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो ये अच्छे से निकल गई उस वाली में, पता बैलेंस बना ना ना, ब्लॉग में बताऊं उस टाइम बैलेंस बन गया था, बनने के बाद ऐसा पैर टिकाना शिट। अरे बट ठीक है, ज़्यादा नहीं गया, रखते ही मैंने एकदम से पैर उठा लिया, बच गए। एक और ये थोड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आई है, फंस गई, धका का। अरे रे ओके, निकल गए। ओके, टाइम इज़ 5:54 और हम लोग अभी रुके हैं गोनबोंग, क्या नाम बताया भैया, गोनबो रंगजोंग। ये एक पहाड़ है, हम लोग उधर से आए, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मेरे को ये पता था कि एक स्टैंड अलोन पहाड़ है वो यहाँ पे है, लेकिन ये नहीं पता कि हम इधर से आ रहे हैं। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, जैसे सचिन ने कहा कि ये देख पहाड़, अरे बाप रे। तो इधर हम लोग रुक रहे हैं, प्लान था आगे जाने का बट यार मून अभी लगा लो फुल तो नहीं है, फुल से थोड़ा सा 2 दिन कम है, और यार यहाँ पर मून लाइट पड़ेगी और स्टार्स आएंगे, मतलब नाइट लैंप्स बनाने में जो मुझे मज़ा आएगा यार, मज़ा आ जाएगा लिटरली। तो अभी बाइक वाइक यहाँ पार्क करेंगे और यहीं पे हम अंदर सोएंगे,